नीतीश कटारा की हत्या के आरोप में विकास और विशाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने 25-25 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को सबूत नष्ट करने के लिए 5-5 साल की सजा सुनाई गई, जो आरोपियों को अलग से काटनी होगी। अदालत ने कहा कि दोनों अभियुक्तों की सजा में किसी भी रियायत पर 30 साल से पहले विचार नहीं किया जा सकता। साथ ही अदालत ने दोनों पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। 302 के साथ इनको पनिशमेंट दिया है 25 साल का, और साथ में 120 बी में दिया है इनको अलग से 5 साल के लिए। कुल मिलाकर के वो प्रोविजन है कि ये पनिशमेंट मिनिमम 25 ईयर का रहेगा, प्लस 5 ईयर कंकरेंटली नहीं है, ये कॉन्सिक्यूटिव है। अगर हम 30 ईयर के लिए टोटल इनको पनिशमेंट मिला गया। पेश मामले में निचली अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, मगर नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा और विभाजन पक्ष ने उन्हें फांसी की सजा का आग्रह किया था। इस मामले में अन्य आरोपी सुखदेव पहलवान को 25 साल की सजा सुनाई गई है। जहां तक सजा की का सवाल है, अभी हमने कहा था डेथ पेनल्टी के लिए जो नहीं हुई है, मगर ये बात तो कम से कम केस ने मानी है कि सिंपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट काफी नहीं था, तो सजा एनहांस की गई है। तो वहां तक हमारी बात कोर्ट ने रखी है कि सजा को बढ़ाया है और कोई रेमिशन 30 साल तक के लिए नहीं दिया है, वहां तक हम संतुष्ट हैं। अब इसके आगे हमें डेथ पेनल्टी के लिए फिर से जाना है सुप्रीम कोर्ट में, ये हम फाइनली तय करेंगे जजमेंट पूरा देख के, मगर अगर लॉ अलाउ करती है तो जाएंगे। पूर्व राजनयिक के बेटे नीतीश कटारा की 16 फरवरी 2002 की रात को हत्या कर दी गई थी और उसके शव को उत्तर प्रदेश के खुर्जा कस्बे में जलाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने हत्या के आरोप में विकास यादव और विशाल यादव को आरोपी बनाया था और बाद में हत्या करने वाले सुखदेव पहलवान को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसकी अपील हाईकोर्ट में की गई और अप्रैल 2014 को उच्च न्यायालय ने सजा को सही पाया था। अनिल पूनिया, DD न्यूज, दिल्ली।